स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 11। हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाई साउंड प्रोड्यूस्ड बाय सिंपल पेंडुलम इज़ नॉट हियर्ड। यानी सिंपल पेंडुलम की वाइब्रेशन की वजह से जो साउंड पैदा होता है तो हम इसको क्यों सुन नहीं सकते। द आंसर इज दैट द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय सिंपल पेंडुलम इज़ नॉट हियर्ड। यानी सिंपल पेंडुलम की वजह से जो साउंड पैदा होता है तो हम इसको सुन नहीं सकते। क्यों हम इसको सुन नहीं सकते? इसलिए कि इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो ऑडिबल रेंज की फ्रीक्वेंसी में नहीं है। यानी साउंड सुनने के लिए फ्रीक्वेंसी का एक ऑडिबल रेंज है जो कि 20 Hz to 20 kHz है। अब इसके जो सिंपल पेंडुलम जब वाइब्रेशन करता है यानी टू एंड फ्रो मोशन करता है तो इसका फ्रीक्वेंसी बहुत कम होता है। तो इस फ्रीक्वेंसी के कम होने की वजह से हम ये साउंड सुन नहीं सकते। दोबारा सुन लें, व्हाई साउंड प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंपल पेंडुलम इज़ नॉट हियर्ड। यानी सिंपल पेंडुलम की वजह से जो साउंड पैदा होता है या सिंपल पेंडुलम की वजह से साउंड पैदा होता है तो हम इसको सुन नहीं सकते। क्यों? तो सो द आंसर इज दैट द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय सिंपल पेंडुलम इज नॉट हियर बिकॉज इट्स फ्रीक्वेंसी इज नॉट इन द ऑडिबल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। यानी इसका फ्रीक्वेंसी ऑडिबल रेंज के फ्रीक्वेंसी से बाहर है तो इसका साउंड हम सुन नहीं सकते। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, If a ringing bicycle bell is held tightly by hand, it stop producing sound. Why? यानी जो ringing bicycle bell है, यानी bicycle में जो bell लगा हुआ है, इसको जब हम hand में tightly पकड़ ले, तो ये vibration produce करना stop कर, तो ये sound produce करना stop कर देगा. It stop producing sound. Why? The answer is that if we tight the bell of a cycle, it will not produce sound. Why? Because sound के पैदा होने के लिए 3 things का होना लाजमी है। यानी 3 necessary चीज़ें हैं इसके लिए। एक है vibrating body, दूसरा है medium और तीसरा है hearing device। अगर इन 3 में से एक भी ना हो तो हम साउंड सुन नहीं सकते। अगर वाइब्रेटिंग बॉडी ना हो तो साउंड पैदा नहीं होता। अगर मीडियम ना हो तो साउंड प्रोपिगेशन नहीं कर सकता, बिकॉज साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूड मैकेनिकल वेव्स एंड मैकेनिकल वेव्स आर द वेव्स विच रिक्वायर्ड मीडियम फॉर देयर प्रोपिगेशन। यानी साउंड वेव्स जो है ये मैकेनिकल वेव्स है और मैकेनिकल वेव के प्रोपिगेशन के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? मीडियम की ज़रूरत है। तो यहाँ पर अगर मीडियम ना हो तो भी साउंड हम नहीं सुन सकते, और अगर हेयरिंग डिवाइस ना हो तो साउंड को हम सुन नहीं सकते। इस आंसर में जो पूछा गया है वो ये है कि अगर रिंगिंग बाईसाइकिल बिल को हम टाइटली पकड़ लें हैंड से तो ये साउंड प्रोड्यूस करना स्टॉप कर देगा। साउंड प्रोड्यूस करना इसलिए स्टॉप कर देगा जब हम रिंगिंग बाईसाइकिल बिल को पकड़ लें हैंड से तो यहाँ पर वाइब्रेशन पैदा हो नहीं हो सकते, बिकॉज इस हैंड में इसको पकड़ने से वाइब्रेशन स्टॉप होगा। जब वाइब्रेशन स्टॉप होगी तो साउंड पैदा नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई इज द इंटेंसिटी ऑफ एन इको लेस देन दैट ऑफ द ओरिजिनल साउंड। यानी इको का जो इंटेंसिटी है वो ओरिजिनल साउंड की इंटेंसिटी से क्यों कम होगा? द आंसर इज दैट द इंटेंसिटी ऑफ एन इको इज लेस देन दैट ऑफ द ओरिजिनल साउंड बिकॉज देयर इज लॉस इन एनर्जी। बिकॉज इसलिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि इको का इंटेंसिटी ओरिजिनल साउंड की इंटेंसिटी से क्यों कम होगा। तो इको हम किसे कहते हैं? इको इज द रिफ्लेक्टेड साउंड। यानी जो रिफ्लेक्टेड साउंड है इसको हम क्या कहते हैं? इको कहते हैं। अब जब एक साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, सो जब साउंड जाकर किसी बाउंड्री के साथ टकरा जाए यानी
किसी मीडियम या बाउंड्री पर स्ट्राइक हो जाए तो वो वहाँ कुछ ना कुछ साउंड ऑब्जर्व होगा, यानी वो मीडियम कुछ ना कुछ साउंड ऑब्जर्व करेगा और जो साउंड वापस आता है तो इस रिफ्लेक्टेड साउंड को हम इको कहते हैं। तो इस इको का इंटेंसिटी जो है ये ओरिजिनल साउंड की इंटेंसिटी से कम होगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, इन विच मीडियम एयर आर वाटर एंड इको इज हियर्ड सूनर, यानी एयर में कौन सी मीडियम में हम इको को जल्दी सुनेंगे, यानी वाटर में या एयर में। तो द आंसर इज दैट द इको विल बी सून हियर्ड सूनर इन वाटर बिकॉज द स्पीड ऑफ वाटर इज़ द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज़ टू मच ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, यानी एयर में हमारे पास जो स्पीड ऑफ साउंड है वो है 331 मीटर पर सेकंड या नॉर्मल 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 343 मीटर पर सेकंड है, और जो वाटर है वाटर में स्पीड ऑफ साउंड है 1500 मीटर पर सेकंड। तो इको वाटर में हम जल्दी सुनेंगे। फिर है क्वेश्चन नंबर फाइव, वाई साउंड कैन नॉट बी हियर्ड ऑन दी मून, यानी मून पर हम साउंड को क्यों सुन नहीं सकते। जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर टू में एक्सप्लेन किया कि साउंड के लिए थ्री नेसेसरी थिंग्स है, एक है वाइब्रेटिंग बॉडी, दूसरा है मीडियम और तीसरा है हेयरिंग डिवाइस। अब मून पर मीडियम नहीं होता, मून पर मीडियम नहीं है, तो मीडियम यानी वहाँ पर वैक्यूम है, तो वैक्यूम में साउंड पास नहीं होगा बिकॉज साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड इट रिक्वायर मीडियम और मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपिगेशन, यानी इसके प्रोपिगेशन के लिए मीडियम की ज़रूरत है, तो इसलिए हम मून पर साउंड को सुन नहीं सकते। फिर क्वेश्चन नंबर सिक्स है, इफ़ अ पर्सन प्लेस हिज एयर ऑन रेल्स ऑफ रेल रोड, यानी अगर एक बंदा अपने कान को रेल रोड पर रख ले फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ कमिंग ट्रेन, ताकि वो ये डिटरमाइन करे, ये मालूम करे कि ट्रेन आ रहा है या नहीं। वाई इज दिस डन एंड हाउ डज इट वर्क, ये क्यों करता है और किस तरह ये काम करता है। जिस तरह हमने एयर और वाटर के लिए इको को स्पीड ऑफ साउंड को एक्सप्लेन किया, इस तरह हम यहाँ पर भी एक्सप्लेन करते हैं, यानी जो स्पीड ऑफ साउंड है वो सॉलिड में बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एंड स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर। स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर है 1500 मीटर पर सेकंड और एयर में है 331 मीटर पर सेकंड, और जो स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड में है वो है 4500 मीटर पर सेकंड। तो रेल का जो रोड है यानी वो सॉलिड से बना हुआ है, तो वहाँ पर स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होगा, तो बजाय इसके कि वो एयर के ज़रिए मालूम करे कि ये रेल आ रहा है कि नहीं, इसके बजाय रेल रोड से आसानी से फाइंड कर सकता है, यानी डिटरमाइन कर सकता है। क्वेश्चन नंबर सिक्स सेवन है, व्हेन यू वॉच अ थंडर स्टॉर्म यू सी द लाइटनिंग फर्स्ट एंड यू हेयर द थंडर आफ्टरवर्ड, वाई इज दिस थंडर डिलेड। क्वेश्चन नंबर सेवन में पूछा गया है कि जब हम लोग थंडर स्टॉर्म को देखते हैं तो वहाँ पर हम लाइट को फर्स्ट देखते हैं, यानी जो लाइटनिंग होता है इसको हम पहले देखते हैं, एंड यू हेयर द थंडर आफ्टरवर्ड, और जो थंडर का आवाज़ है यानी साउंड है इसको हम बाद में सुनते हैं। वाई इज दिस थंडर डिलेड, तो ये क्यों डिले होता है, इसलिए कि जो स्पीड ऑफ साउंड और स्पीड ऑफ लाइट है इन दोनों में फ़र्क है। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर जो है वो 331 मीटर पर सेकंड है, और स्पीड ऑफ लाइट जो है वो 3×10⁸ मीटर पर सेकंड है। तो ये यानी जो स्पीड ऑफ लाइट है ये बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू स्पीड ऑफ साउंड, इसलिए हम लाइट को फर्स्ट देखते हैं और बाद में थंडर के आवाज़ को। क्वेश्चन नंबर एट है, इफ़ द स्पीड ऑफ साउंड इज़ डिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी, अगर स्पीड ऑफ साउंड फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड होता
वुड म्यूज़िक फ्रॉम मार्चिंग बैंड भी इंजॉयड, तो मार्चिंग बैंड का जो म्यूज़िक है हम इसको इंजॉय करते या नहीं, तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं एक यूनिवर्सल वेव इक्वेशन से। हमारे पास यूनिवर्सल वेव इक्वेशन है वी इज इक्वल टू एफ लेमडा। जब किसी साउंड का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाए तो इसका वेवलेंथ कम होगा, और जब वेवलेंथ ज़्यादा हो जाए तो इसका फ्रीक्वेंसी कम होगा, यानी स्पीड इसका कांस्टेंट होगा। हमारे पास इक्वेशन है वी इज इक्वल टू एफ लेमडा, इससे अगर हम लेमडा और वी के लेमडा और फ्रीक्वेंसी के दरमियान रिलेशन को फाइंड करें तो वहाँ पर रिलेशन इनवर्स रिलेशन आता है। तो जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है तो वेवलेंथ कम होता है, और जब फ्रीक्वेंसी कम होता है तो वेवलेंथ ज़्यादा होता है, यानी स्पीड इसके लिए कांस्टेंट होगा। जो मार्चिंग बैंड का साउंड है अगर इसका साउंड फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड होता तो हम इसको एंजॉय नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाई डज योर वॉइस साउंड फुलर इन द शावर, यानी वॉशरूम में जो आवाज़ होता है ये फुल क्यों होता है। वॉशरूम में जो आवाज़ होता है वो वहाँ पर मल्टीपल रिफ्लेक्शन है और हार्ड एंड स्मूथ सरफेस है, तो हार्ड एंड स्मूथ सरफेस से रिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है, तो इसलिए वॉशरूम में आवाज़ भी ज़्यादा होता है, यानी फुल होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाई इज़ इट सो क्वाइट आफ्टर अ स्नोफॉल, यानी स्नोफॉल के बाद खामोशी क्यों होता है। द आंसर इज़, स्नोफॉल के बाद खामोशी इसलिए होता है कि जो स्नो है वो पोरस सरफेस का काम करता है। जो सॉफ्ट एंड पोरस सरफेस है हमारे पास, ये साउंड को क्या करता है, ऑब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पर ये स्नो जो है ये किस चीज़ का काम करता है, सॉफ्ट एंड पोरस सरफेस का। तो जब ये सॉफ्ट एंड पोरस सरफेस का काम करता है तो यहाँ पर खामोशी होता है स्नोफॉल के बाद।